तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश, समय को भी तलाश। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सायरा बानो, मैं ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं YouTube पे डाल रही हूँ। अपने कुछ कहानी बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरी आप बीती कुछ ऐसी रही है जिसे लोगों ने बहुत बार कहा है कि आप कुछ लिखिए, पर समय नहीं मिला। शायद जीवन की व्यस्तता, जीवन की का संघर्ष, कुछ अस्थिर हो जाने की अपनी जो मेरी लड़ाई थी उसमें मैंने कभी समय नहीं पाया। तो अब कुछ समय मुझे मिला तो मैंने सोचा कि चलो YouTube भी बनाते हैं, देखते धीरे धीरे अपनी कहानी थोड़ी बहुत बताऊंगी, मेरा जो कहानी क्या, मेरा जो संघर्ष रहा है जीवन का, मैंने जो भी जीवन में हासिल किया है स्टेप बाय स्टेप, मुझे क्या संघर्ष करना पड़ा उसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी अपने पार्ट बाय पार्ट वीडियो के जरिए। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं अपने वीडियो को एक स्ट्रॉन्ग रूप दे के आगे बढ़ूँ, नारी शक्ति के साथ मैं शुरू करूँगी अपने वीडियो को। इसलिए मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में माँ दुर्गा की आराधना का दृश्य दिया है। दोस्तों मुझे बहुत अनुभव तो नहीं है अपने बारे में वीडियो बनाने का, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के सामने कुछ अपनी आप बीती बता सकूँगी। डे बाई डे मैं जीवन में जो भी पाई हूँ वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ही नहीं मिला, सब बहुत लोगों को नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मिल जाता है आसानी से, मुझे बहुत संघर्ष के बाद मिला। तो मेरा जो जीवन में संघर्ष रहा है, मैंने कैसे उस पड़ाव को पार किया अपने साहस के बल पे सिर्फ, और अपनी लगन और हिम्मत के बल पे मैंने उसे पार किया, उसे मैं आपको पार्ट बाई पार्ट बताना चाहूँगी। क्योंकि कोई कुछ चीज़ें होती है कुछ लोगों को आसानी से नहीं मिलती है, उसे कुछ ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है, तो वह संघर्ष मेरे भी अंदर रहा है। हाँ, मैं नारी हूँ और मेरे अंदर वो शक्ति है, इसी के लिए मैंने माँ दुर्गा की आराधना से अपना पहला वीडियो, ये वीडियो को स्टार्ट किया है। और इसके साथ ही मैं आपको अपनी दिनचर्या भी बताना चाहूँगी कि आज मैं एक डॉक्टरेट की उपाधि पाई हूँ, और वो उसके पीछे मेरी कौन सी ताकत रही है, वो ताकत मुझे कहाँ से मिला, कि जो लोगों ने बाधा दिया वो भी हार मानने के लिए मजबूर हो गए थे कहीं ना कहीं। मेरा जीवन जो है वो आसान नहीं रहा है, एक मेरे लिए ज़िंदगी जो है वो जीने का ही संघर्ष था। पहले मैं जी लूँ इसके लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो जीवन ही उसका ख़त्म हो गया होता। पर किस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को जीता है, मैंने कोई नौकरी पाई है, ये इसमें कोई बहादुरी नहीं है, बड़ाई नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी को बचाया है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और मैं मुझे अपने आप पे गर्व है कि हाँ मैंने उस संघर्ष को पार करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, अपने आप को कुछ काबिल बनाया कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से आज जी सकती हूँ। इसके पीछे मेरा स्पोर्ट्समैन होने का स्पिरिट भी वो शायद वो मुझे ताकत देता रहा है। इसके अलावा खासियत ये रही कि मैंने सपने देखे हैं बहुत, और उसे अपनी जिद और लगन के बल पे पूरा किया है। अगर मेरी जिद ना होती तो मैं शायद वो नहीं कर पाती, तो उसी जिद को मैं जो जो पाई हूँ जीवन में वो मैं बताना चाहती हूँ कि क्या नीतियाँ थी जिसे मैं अपना कर कुछ कर पाई हूँ। जैसे एक एक संघर्ष मेरा बताना चाहूँगी कि मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती हूँ। मेरी उम्र 49 हो गई है, फिर भी लोग बोलते हैं कि मैंने अपने आप को काफ़ी फिट रखा हुआ है। तो मेरी दिनचर्या किस तरह से शुरू होती है मैं ये आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी।
लाइफ स्टोरी से कुछ प्रेरणा मिल सके। मेरी प्राथमिकता रही है कि मैं अपने आप को सबसे पहले स्वस्थ रखूं। मैं अपने आप को बेडौल देख नहीं सकती हूं, क्योंकि अगर मैं स्वस्थ ना रहूं तो बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए बेकार होगी। नौकरी करने के अलावा मैं अपने घर के सारी जिम्मेवारियां भी खुद ही निभाती हूं, और मैंने कोई हाउस हेल्पर नहीं रखा हुआ है, क्योंकि मुझे अगर विदेश जाना है, अगर मेरे सपने हैं विदेश जाने के, तो मुझे इसकी आदत अभी से रखनी होगी। इसलिए मैंने उससे मुक्ति पाली है और मैं सारे काम खुद ही संभालती हूँ। इसके अलावा भी मेरी कुछ एक्टिविटीज़ रहती है, मैं कुछ क्रिएटिव काम करना चाहती हूँ। लाइक मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है कि मैंने कैंडल बनाने की कोशिश की है, और मैंने साबुन भी बनाने की कोशिश की है। मैं खुद हैंड होममेड साबुन बना कर इस्तेमाल करना चाहती हूँ। यह काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें अपनी पसंद की चीज़ें और मुझे मेरे स्किन को क्या चाहिए, मैं वो चीज़ें इस्तेमाल कर पा रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है नौकरी में अपनी पूरी जिम्मेवारी से अपने काम को निभाना, और घर में भी हाइजीनिक माहौल बना के रखना। सारी चीज़ें जो स्वास्थ्यवर्धक होती है वो खानी चाहिए, और वही खाना मैं पसंद करती हूँ। इसलिए मुझे अपने हाथों का बनाया खाना ही पसंद ज़्यादा आता है, मैं होटल को प्रेफर नहीं करती हूँ। डे बाय डे मैं आपको अपनी क्रिएटिव चीज़ें भी दिखाना चाहूँगी, और कुछ पकवान जो है मैं अच्छा बनाती हूँ, और ख़ासकर बिरयानी बनाने में मेरा ज़्यादा नाम है। तो मैं किस तरह से बिरयानी बनाती हूँ जिसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता है और स्वास्थ्य के लिए कोई नुकसान भी नहीं कर। मुझे खाना बनाना भी काफ़ी पसंद है। कुछ चीज़ें मैं काफ़ी अच्छी बनाती हूँ, सारी चीज़ें तो नहीं बना पाती हूँ। मेरी बिरयानी फेमस है कि मैं कम ऑयल में, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना कम ऑयल में और इतना टेस्टी बिरयानी बना सकती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखे, और उसे पूरा करने के लिए मेरे अंदर जो जज्बा रहा है वो मैंने सपने पूरे किए हैं। और अभी फ़िलहाल मेरा सपना ये है कि मुझे कनाडा जाना है, और उसके लिए मेरी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, पर तो मुझे उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं अब इंग्लिश के लिए तैयारी कर रही हूँ। आईलेट देना पड़ेगा, आईलेट में अच्छे बैंड लाने पड़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ रहें और देखें कि मेरा संघर्ष जो है वो मैं ये सपना अपना पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। मैं अपनी आपबीती बताना चाहूँगी, एक छोटा सा जो मेरे जीवन का संघर्ष रहा है मेरी जॉब के बारे में। एक समय आसनसोल में जब मैं आई थी, तो 1993 में, तो उस समय एक मैं हाउसवाइफ की तरह रहती थी, और सिचुएशन जो था वैसा था कि मेरे पास 5 रुपए भी नहीं होते थे हाथों में, और काफ़ी संघर्ष था जीवन का। तो उस समय मैं साड़ी में फॉल लगाती थी, साड़ी पीको करती थी, और वो बालों में लगाने वाले एक ऊन का बिना जाता था वो मैं बिनती थी, बिन कर सेल करवाती थी दुकान में 25 रुपए में। फिर धीरे धीरे मेरा जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। असल में नौकरी करने की इच्छा जो मेरे मन में थी वो तो थी ही, वो बीज अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन उसे हवा दे दिया, उस बीज को जैसे पानी की बूंदें मिल गई। मेरे एक मित्र थे जो जब मैं स्पोर्ट्स करती थी तो वो मेरे साथ स्पोर्ट्स करते थे, तो वो एक बार मेरे घर आए और मुझे ऑफ़र दिया कि स्कूल में जॉब करने का। पर उस समय घर वालों की मेंटेलिटी जो थी वो ऐसी नहीं थी कि वो मुझे परमिशन देते कि मैं करीब 10 किलोमीटर दूर जाऊं बस से आना जाना करूं और जॉब करूं। और शायद उन लोगों को महत्व भी नहीं पता था जॉब क्या होती है। जॉब एक औरत के लिए या किसी भी इंसान के लिए अपने जीवन में उसके क्या महत्व हो सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट होना, ये किसी को पता नहीं था और कोई मुझे बताना भी नहीं चाहता था। लेकिन वो बीज जो मेरे अंदर पड़ा, और उसके बाद वो फिर मेरा सपना जो था वो जागृत हो गया एक बार फिर से, और मैं फिर रुकी नहीं। मेरी इच्छा वो बलवती होती चली गई। घर में पैसे के लिए मैं छोटे मोटे इस तरह से साड़ी फॉल लगाना, ये छोटे मोटे कार, कुछ बैग बनाने का भी काम था, उसमें बिनाई करनी पड़ती थी, वो भी मैं करती थी।
उसके बाद मैंने धीरे धीरे सीखा बैच बनाना, जो बैच लगाया जाता है जो किसी फंक्शन में दिया जाता है, वो मैंने सिलाई करना सीखा। और वो इच्छा मेरी जो है, मुझे एक फिर एक स्कूल में प्राइवेट नौकरी थी, उसके लिए मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। तो मुझे याद है कि जब पहली बार मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो मैं सर में आँचल रख के बैठी थी, हाथ में इतनी इतनी चूड़ियाँ पहनकर। खैर वो कोई मायने नहीं रखता है, पर मैं उस तरह से गई थी इंटरव्यू देने। तो शायद इंटरव्यू लेने वाले ने मेरा वो गेटअप देखकर मुझे जॉब नहीं दिया, पर मुझे कोई रोक भी नहीं सकता था, मैं रुकी भी नहीं। फिर कोशिश चलती रही। एक फिजिकल एजुकेशन का एक कैंप टाइप का था, ब्रह्मचारी करके कैंप था, तो उसमें मैंने 15 दिन करीब उसमें ट्रेनिंग किया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर इंटरव्यू मैंने फेस किया, और मेरे पास जो ढेर सारी सर्टिफिकेट है गेम के, स्पोर्ट्स के, वो सारे सर्टिफिकेट देखकर मुझे एक फिजिकल टीचर का जॉब मिला। तो वो मेरे लिए एक क्लू मिल गया जॉब में जाने का। तो ठीक है, मैं जॉब मैंने वो किया। उसके बाद उस वक्त मैं इतनी स्वस्थ नहीं रहती थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम था उसकी वजह से। तो मैंने समझा कि ज़्यादा दिन तक मैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करा पाऊँगी, और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था। तब मैंने धीरे धीरे इसी सब्जेक्ट की तरफ मूव करना शुरू किया। तो उस वक्त मेरा सब्जेक्ट जो था वो ऐसा था जो स्कूल लेवल पर नहीं चलता है, वो कॉलेज लेवल पर चलता है। पर बोलते हैं कि दुश्मन जो होते हैं वो ही, या फिर आप निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवा, ये जो थ्योरी होती है, ये थ्योरी ही मेरे जीवन में काम कर गई। और मैं कह सकती हूँ कि मेरी कोशिश तो थी, लेकिन मुझे सही असलियत दिखाया मेरे निंदा करने वाले लोग नहीं। और पर मैं उसको पकड़ती चली गई कि अगर लोग मुझे दिखा रहे हैं कि मेरे में ये कमी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस कमी को दूर करना है। और इस तरह से क्या हुआ कि फिर से मैंने पढ़ाई शुरू की, फिर से ग्रेजुएशन किया, फिर से एमए किया, फिर से बीएड किया, और मेरी पढ़ाई फिर वो रुकी नहीं। मैं पीएचडी तक करने के लिए वो प्रेरित थी, मुझे पीएचडी करना था। अब मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाना था। आगे चलकर मुझे वो एक्सपीरियंस काम आया। 8.5 साल मैं उस स्कूल में प्राइवेट काम की, 1000 रुपया उसमें मिलते थे, वो भी मेरे लिए काफ़ी था। जब मैं फॉल लगाती थी उससे तो बेटर था, पर उसके अलावा मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, और बहुत सारे ट्यूशन पढ़ाती थी। जितनी मैं कर सकती थी, खर्च सकती थी, उतना मैंने खटा। उसके बाद पढ़ाई भी मैंने, मुझे डिग्री हासिल करनी थी, और पढ़ाई के लिए मैं सारे एक्टिविटीज़ से कटती चली गई। और मेरा सारा कंसंट्रेशन ये था कि मैं अपना फ्यूचर देख चुकी थी कि अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ाई ना करूं, एक अच्छा जॉब मुझे ना मिले, तो भविष्य अंधकार में है, ये मुझे समझ में आ गया था। और जॉब की जो इम्पोर्टेंस होती है मेरे जीवन में वो क्या है, ये भी मैं समझ गई थी। तो फिर मैंने जॉब, मुझे वो मिला, वो भी जॉब आसानी से तो मिलेगा नहीं, काफ़ी मुश्किलों के बाद ही मिला। और उसके बाद आज ठीक है, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। पर सपने तो सपने हैं, सपने तो कभी रुकते नहीं हैं। वो एक सपना पूरा होता है, दूसरा सपना आता है, दूसरा पूरा होता है, तीसरा आता है। इसके बाद मैंने, मेरी जॉब तो हो गई। फिर डॉक्टर बनने की का जो सपना था कि नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, ये अब बलवती हो गया। अब मुझे उसके लिए फिर अब मेरा जुनून शुरू हुआ। जो डॉक्टरेट की उपाधि पाने के लिए मुझे कम से कम 7 वर्ष लग गए थे, क्योंकि जबकि मैंने थीसिस को 2 साल में ही कंप्लीट कर लिया था। पर ये 7 साल क्यों लगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और कितनी मुश्किलें थी मुझे वो डॉक्टरेट की उपाधि पाने के लिए। मेरा सेकंड सेमिनार नहीं लिया जा रहा था, और
मैं ऐसा फैसला कर चुकी थी कि अपने सारे थीसिस को मैं या तो बोलते हैं संदूक में दबा दूंगी, कभी कभी ये ख्याल आया कि सारे को जला दूं, सारे अपने थीसिस को जला के ख़त्म कर दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली बात थी। उस तकलीफ़ को, जो तकलीफ़ें मुझे उस वक्त हुई थी, मैं उसे भुला नहीं सकती थी। रातों को मुझे नींद नहीं आती थी, पर चमत्कार होता है ये मैंने उस समय जाना, और चमत्कार मेरे जीवन में हुआ था। पर मुझे कोई रोक भी नहीं सकता था, मैं रुकी भी नहीं। फिर कोशिश चलती रही। एक फिज़िकल एजुकेशन का एक कैंप टाइप का था, व्रतचारी करके कैंप था, तो उसमें मैंने 15 दिन करीब उसमें ट्रेनिंग किया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर इंटरव्यू मैंने फेस किया, और मेरे पास जो ढेर सारी सर्टिफिकेट है गेम के, स्पोर्ट्स के, वो सारे सर्टिफिकेट देखकर मुझे एक फिजिकल टीचर का जॉब मिला, तो वो मेरे लिए एक क्लू मिल गया जॉब में जाने का। तो ठीक है, मैं जॉब मैंने वो किया। उसके बाद उस वक्त मैं इतनी स्वस्थ नहीं रहती थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम था उसकी वजह से। तो मैंने समझा कि ज़्यादा दिन तक मैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करा पाऊँगी, और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था। तब मैंने धीरे धीरे इसी सब्जेक्ट की तरफ मूव करना शुरू किया। तो उस वक्त मेरा सब्जेक्ट जो था वो ऐसा था जो स्कूल लेवल पर नहीं चलता है, वो कॉलेज लेवल पर चलता है। पर बोलते हैं कि दुश्मन जो होते हैं वो ही, या फिर आप निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवा, ये जो थ्योरी होती है ये थ्योरी ही मेरे जीवन में काम कर गई। और मैं कह सकती हूँ कि मेरी कोशिश तो थी, लेकिन मुझे सही असलियत दिखाया मेरे निंदा करने वाले लोग नहीं। और पर मैं उसको पकड़ती चली गई कि अगर लोग मुझे दिखा रहे हैं कि मेरे में ये कमी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस कमी को दूर करना है। और इस तरह से क्या हुआ कि फिर से मैंने पढ़ाई शुरू की, फिर से ग्रेजुएशन किया, फिर से एमए किया, फिर से बीएड किया, और मेरी पढ़ाई फिर वो रुकी नहीं। मैं पीएचडी तक करने के लिए वो प्रेरित थी, मुझे पीएचडी करना था। अब मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाना था। आगे चलकर मुझे वो एक्सपीरियंस काम आया। 8.5 साल मैं उस स्कूल में प्राइवेट काम की, 1000 रुपया उसमें मिलते थे, वो भी मेरे लिए काफ़ी था। जब मैं फॉल लगाती थी उससे तो बेटर था, पर उसके अलावा मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, और बहुत सारे ट्यूशन पढ़ाती थी। जितनी मैं कर सकती थी, खर्च सकती थी, उतना मैंने खटा। उसके बाद पढ़ाई भी मैंने, मुझे डिग्री हासिल करनी थी, और पढ़ाई के लिए मैं सारे एक्टिविटीज़ से करती चली गई। और मेरा सारा कंसंट्रेशन ये था कि मैं अपना फ्यूचर देख चुकी थी कि अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ाई ना करूं, एक अच्छा जॉब मुझे ना मिले। उसके अलावा मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, और बहुत सारे ट्यूशन पढ़ाती थी। जितनी मैं कर सकती थी, खर्च सकती थी, उतना मैंने खटा। उसके बाद पढ़ाई भी मैंने, मुझे डिग्री हासिल करनी थी, और पढ़ाई के लिए मैं सारे एक्टिविटीज़ से करती चली गई। और मेरा सारा कंसंट्रेशन ये था कि मैं अपना फ्यूचर देख चुकी थी कि अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ाई ना करूं, एक अच्छा जॉब मुझे ना मिले, तो भविष्य अंधकारमय है। ये मुझे समझ में आ गया था। और जॉब की जो इम्पोर्टेंस होती है मेरे जीवन में वो क्या है, ये भी मैं समझ गई थी। तो फिर मैंने जॉब, मुझे वो मिला, वो भी जॉब आसानी से तो मिलेगा नहीं, काफ़ी मुश्किलों के बाद ही मिला। और उसके बाद आज ठीक है, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। पर सपने तो सपने हैं, सपने तो कभी रुकते नहीं हैं। वो एक सपना पूरा होता है, दूसरा सपना आता है, दूसरा पूरा होता है, तीसरा आता है। इसके बाद मेरी जॉब तो हो गई। फिर डॉक्टर बनने की का जो सपना था कि नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, ये अब बलवती हो गया। अब मुझे उसके लिए फिर अब मेरा जुनून शुरू हुआ। जो डॉक्टरेट की उपाधि पाने के लिए मुझे कम से कम 7 वर्ष लग गए थे, क्यों जबकि मैंने थीसिस को 2 साल में ही कंप्लीट कर लिया था।
पर ये 7 साल क्यों लगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। मोदी सर मुझे माफ़ करें, मैं आपसे ये 2 सवाल पूछना चाहूँगी। छोटी मुंह बड़ी बात, मैं पीएम मोदी से नहीं, मैं एक आम इंसान जो है उनसे पूछना चाहूँगी। आपसे मिलने की इच्छा तो बहुत है, शायद मैं कभी आपसे मिल ना पाऊँ। मेरे में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि आप मुझसे स्पेशल मिलेंगे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं। फिर भी मेरे मन में ये सवाल रहता, सवाल तो आ ही सकता है, मैं भी एक इंसान हूँ, कि आपने सर वैराग्य जीवन अपनाया और हमने गृहस्थ जीवन अपनाया है, तो आप क्या समझते हैं ज़्यादा सफल आप हैं या हमारा जीवन ठीक रहा? और अगर आपका जीवन सही है तो किस बात से आप समझते हैं कि आपका जीवन सफल रहा? मैं भी वो बात जानना चाहती हूँ कि आखिर में हम जीवन के आखिरी मुकाम पर जब पहुँचने लगे तो कौन सी ऐसी बात हम सोचें कि हमें ये लगे कि हाँ हमने ये जीवन को सही ढंग से जिया, हमारा जीवन ये बेकार नहीं गया। ये सवाल मेरा आपसे है, कभी ना कभी शायद कभी ना कभी आपकी नज़र पड़ेगी तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं, मेरी इच्छा तो रहेगी। और एक सवाल और है जो मैं आपसे कभी अगर मिल सकी तो मैं आपसे मिलकर ही वह सवाल पूछूंगी। सर आप मुझे ये बता दीजिए कि हमारा जीवन सफल है या बेकार चला गया हमारा जीवन। मैं कोशिश तो करती हूँ कि अच्छे लोगों से मिलूं, अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ, अगर मेरे में कुछ कमियां हैं तो मैं उसे दूर करना चाहती हूँ। एक इंसान भी हूँ मैं, मेरे अंदर भावनाएं भी हैं, फिर भी मैं चाहती हूँ कि अपने अंदर अच्छाई ज़्यादा मैं ला सकूँ। मेरे अंदर बुराइयाँ हैं, मैं अच्छे लोगों से मिलना चाहती हूँ, अपने अंदर की कमियों को दूर करना चाहती हूँ। दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने आईलेट के लिए मॉक टेस्ट किस तरह से दिया। इसके साथ ही आपसे आग्रह है कि प्रकृति बचाइए और ढेर सारे पेड़ पौधे लगाइए। मैं आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ।